5,000 शिक्षकों ने नहीं लिया प्रशिक्षण, रोकी जाएगी वेतन वृद्धि। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने शिक्षा अधिकारियों को लिखा पत्र। केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद हरकत में लोक शिक्षण संचालनालय। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। 5,000 शिक्षकों ने नहीं लिया प्रशिक्षण, रोकी जाएगी वेतन वृद्धि। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने शिक्षा अधिकारियों को लिखा पत्र। केंद्र सरकार की नाराजगी के बाद हरकत में लोक शिक्षण संचालनालय। भारत सरकार के आदेशानुसार दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को जिस प्रशिक्षण के आदेश दिए गए थे उसमें लापरवाही सामने आई है। प्रदेश में करीब 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने यह प्रशिक्षण नहीं लिया है, जबकि 13 कोर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य थी। अब इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पोर्टल पर निशिता ट्रेनिंग कोर्सेस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण समस्त हायर सेकेंडरी और हाईस्कूलों में दिया जाना है। इसमें विद्यालयों के समस्त श्रेणी के शिक्षकों तथा प्राचार्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। विभाग में अधिकारियों के अनुसार करीब 5,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यह प्रशिक्षण नहीं लिया है। इस मामले को लोक शिक्षण संचालनालय ने गंभीरता से लिया है। संचालनालय के आयुक्त ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। पत्र के अनुसार अत्यंत खेदजनक है कि अधिकांश जिलों में सभी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। इस लापरवाही पर भारत शासन द्वारा भी आपत्ति जाहिर की गई है। जिन जिलों में शिक्षकों ने अब तक 12 प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किए उनके लिए अलग अलग तिथियों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। अटैच शिक्षकों ने नहीं दिया ध्यान। लोक शिक्षण संचालनालय में स्थापना शाखा देखने वाले अधिकारियों का कहना है कि खासकर ऐसे शिक्षकों की सबसे ज्यादा लापरवाही सामने आई है जो अपनी मुख्य शालाओं को छोड़कर दूसरी जगह काम कर रहे हैं। मंत्रियों से लेकर विधायकों, कलेक्टरेट, जिला पंचायतों से लेकर BRCC, जनपदों, DPC और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अटैच हैं। इस प्रकार के अभी तक एक भी कोर्स का प्रशिक्षण नहीं लिया। निर्देश हैं कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा पूर्ण करने के उपरांत जनरेट होने वाले प्रमाण पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत करना होंगे। इसके उपरांत संबंधित शाला के प्राचार्य विमर्श पर अंकित प्रारूप में जानकारी भरकर उसकी हस्ताक्षरित प्रति 15 फरवरी तक संकुल प्राचार्य को भेजेंगे। मांगी गई 13 कोर्स की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों के लिए सभी 13 कोर्स का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। बाकायदा प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी भी पंजीकृत कर मांगी गई है। आयुक्त द्वारा यह निर्देश भी दिए हैं कि जो शिक्षक निर्धारित तिथियों में प्रशिक्षण नहीं ले रहा है तो उसकी 2 वेतन वृद्धि रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।